दोस्तों, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 11th का पहला चैप्टर लीलाज फ्रेंड, जो कि आर के नारायण द्वारा लिखित है, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है, ओके, जिसको हम फर्स्ट पार्ट कहेंगे। तो मैंने पहला पार्ट बना दिया है, और इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों को पहले पहला पार्ट पढ़ लेना चाहिए, ताकि हम लोग ये सेकंड पार्ट को समझ सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करना, आप पहले पहला पार्ट देख लो, पहला पार्ट मेरा पहला वीडियो देख लो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, कहानी समझ में आएगा। चलिए, सिद्धा कम एंड प्ले, लीला वुड क्राई एंड सिद्धा हैड टू ड्रॉप एनी वर्क ही माइट बी डूइंग एंड रन टू हर। सिद्धा कम एंड प्ले, लीला जो है ना, बोलकर चिल्लाने लगती थी, और बोलकर चिल्ला मतलब चिल्लाने लगना कहने का मतलब, वो चिल्लाने भी लगती थी और रोने भी लगती थी। कहती थी, चलो सिद्धा मेरे साथ खेलो, अब आ जाओ, अब खेलो, है ना। और सिद्धा को क्या करना पड़ता था, वो जो भी काम उसको दिया गया होता, उस काम को छोड़ करके वो लीला के पास चली जाती थी दौड़कर, लीला के पास चला जाता था दौड़कर, ठीक है, मतलब उसके साथ खेलने के लिए। एज सी स्टूड इन द फ्रंट गार्डन विद द रेड बॉल इन हर हैंड, और जैसा कि वो जो है ना, लीला अपने हाथ में लाल गेंद, मतलब लाल रंग का जो गेंद होता है बड़ा वाला, उसको लेकर के वो गार्डन में, गार्डन के सामने खड़ी रहती है। हिज कंपनी मेड हर सुप्रीमली हैप्पी, राइट। अब क्या है ना, कि जो लीला है उसको बड़ा अच्छा लगता था, वो बहुत खुश हो जाती थी जब सिद्धा उसके साथ खेलता रहता था। सी फ्लंग द बॉल एट हिम एंड ही फ्लंग इट बैक। लीला क्या करती थी, उस बॉल को सिद्धा की तरफ फेंकती थी, और सिद्धा भी उसको लेकर के लीला की तरफ फेंक देता था, मतलब खेलते थे। एंड देन सी सेड, नाउ थ्रो द बॉल इन टू द स्काई। और लीला उसको कहा करती थी कि अब एक काम करो, इस बॉल को आकाश में फेंको। सिद्धा क्लच द बॉल, क्लोज्ड हिज आइज फॉर अ सेकेंड एंड थ्रू द बॉल अप। और सिद्धा क्या करता था, उस बॉल को लेकर के, है ना, पकड़ लेता था, बॉल को अपने हाथों में पकड़ लेता था, और आंखों को बंद करके एक सेकेंड में ऊपर की तरफ फेंक देता था, उछाल देता था गेंद को। व्हेन द बॉल केम डाउन अगेन ही सेड, नाउ दिस हैज टॉस द मून एंड कम। और जब वो बॉल वापस नीचे गिरता था, तो वो कहा करता था लीला से कि देखो, ये जो बॉल है ना, चंद्रमा के पास से होके आया है, मतलब चंद्रमा को छू कर आया है। दिस हैज टॉच्ड द मून एंड कम, यह बॉल चंद्रमा को छू कर आया है। यू सी हियर अ लिटिल बीट ऑफ द मून स्टिकिंग, तुम देखो इसमें, इसको देखो बढ़िया से, किस तरह से ये चंद्रमा को छू के आया और चंद्रमा का टच इसमें लगा हुआ है। लीला कीनली एग्जामिन द बॉल फॉर द ट्रेसेस ऑफ द मून एंड सेड, आई डोंट सी इट। और लीला जो है बड़े उत्साह के साथ उसको एग्जामिन किया करती थी, उस बॉल को देखती थी, जांचती थी, और पता लगाती थी कि क्या सच में वो बॉल चंद्रमा को छूकर आया है। तो वो कहा करती थी कि मैं नहीं देख पाती हूं भाई, कहां दिखाई नहीं दे रहा मुझे, चंद्रमा को छू के आया। यू मस्ट बी वेरी क्विक अबाउट इट, सेड द सिद्धा, सेड सिद्धा। सिद्धा ने कहा, देखो तुम्हें अगर देखना है कि चंद्रमा वो छू के आया और चंद्रमा का दाग लगा हुआ है ना, तो तुम्हें थोड़ा जल्दी देखना पड़ेगा, बिकॉज इट विल ऑल एवेपोरेट एंड गो बैक टू द मून। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी ही एवोपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, और वापस चंद्रमा के पास चला जाता है। नाउ हरी अप, अब जल्दी करो। ही कवर्ड द बॉल टाइटली विद हिज फिंगर्स एंड अलाउड हर टू पीप थ्रू अ लिटिल गैप। अब वो क्या करता है, फटाफट उस बॉल को लेता है और अपने फिंगर से उसको ढक लेता है, और थोड़ा सा जगह छोड़ देता है जिसमें कि वो देख सके, मतलब थोड़ा सा जगह, लिटिल गैप, है ना, अ लिटिल गैप, वो थोड़ा सा जगह छोड़ देता है झांकने के लिए उसमें। आ यस, सेड लीला, आई सी द मून, बट
इज द मून वेरी वेट? अब वो क्या करती है, कहती है हाँ हाँ, लीला कहती है हाँ मैं देख सकता हूँ, चंद्रमा को देख सकता हूँ, लेकिन ये तो बहुत भींगा हुआ है। सर्टेनली इज इट सिद्धा सेठ, है ना, सिद्धा सेठ कहता हाँ ये भींगा हुआ है। वॉट इज इन द स्काई सिद्धा? तो लीला कहती है उसे कि आसमान में क्या है सिद्धा? गॉड ही सेड, आसमान में गॉड रहता है, राइट? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं फिर पता चलेगा, मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ दिया इसमें। आह यस सेड लीला, आई सी द मून बट इज द मून वेरी वेट? वो कहती है हाँ हाँ मैंने मून को देखा लेकिन ये तो भींगा हुआ है। सर्टेनली इज इट, सिद्धा सेट बोला हाँ हाँ ये एकदम भींगा हुआ है। वट इज इन द स्काई सिद्धा? तो वो पूछ बैठती है कि सिद्धा आसमान में क्या है? गॉड ही सेट, सिद्धा ने कहा आसमान में भगवान है। इफ वी स्टैंड ऑन द रूफ एंड स्ट्रेच आर आर्म्स कैन वी टच द स्काई? अब वो लीला कहती है यदि हम लोग छत पे खड़ा होकर के आसमान के तरफ हाथ फैलाए तो क्या हम लोग आसमान को छू सकते हैं? नॉट इफ वी स्टैंड ऑन द हेयर ऑन द रूफ हेयर ही सेड, बट इफ वी स्टैंड ऑन अ कोकोनट ट्री यू कैन टच द स्काई। तो क्या होता है ना, ये सीधा उसको समझाता है, कहता नहीं आप अगर छत से खड़ा होकर के आसमान को छू नहीं पाओगे, राइट, आपको ना नारियल के पेड़ पे चढ़ के खड़ा होकर के आसमान को छूना पड़ेगा तो आसमान छू लोगे। ठीक है, हैव यू डन इट, आस्क लीला। तो लीला ने कहा तुमने कभी ऐसा किया है, तुमने क्या ऐसा कभी ऐसे कभी आसमान को छुआ है, नारियल के पेड़ पे चढ़ करके आसमान को छुआ है? लीला पूछती है। यस मेनी टाइम्स, हाँ बहुत बार, सिद्धा ने कहा। वेन एवर देर इज अ बिग मून आई क्लाइंब अ कोकोनट ट्री एंड टच इट। वो कह रहा है जब भी कभी मुझे बड़ा सा चंद्रमा दिखाई देता है तो मैं कोकोनट ट्री पे चढ़ जाता हूँ और वहां से उसे छू लेता हूँ। डज द मून नो यू? तो लीला कहती है क्या तुम्हें मून पहचानता है, क्या तुम्हें चंद्रमा जानता है? यस वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से वो जानता है। नाउ कम विद मी, आओ तुम मेरे साथ आओ, आई विल शो यू समथिंग नाइस, मैं तुम्हें कुछ अच्छा चीज दिखाता हूँ। दे वर स्टैंडिंग नियर द रोज प्लांट, और वे दोनों, कौन, सिद्धा और लीला, दोनों एक रोज प्लांट के नियर जाते हैं और वहां से क्या होता है, ही सेड पॉइंटिंग, और सीधा वहां से इशारा करते हुए कहता है यू सी द मून देयर डोंट यू, क्या तुम देख सकती हो वहां पे जो चंद्रमा है दिखाई देता है ना, है ना। यहीं तक दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग इस कंटेंट को समझ चुके होंगे, राइट, और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके बाद का जो पार्ट है मैं बहुत तुरंत लाने वाला हूं।